सवे भवन्तु सुखिन। शुचिता श्रोच शुद्धि पवित्रता। भाग सात। द्वेष एक विकार है, मुक्ति में बाधक है। किसी से द्वेष नहीं रखें अपितु उनके सद्गुणों को ग्रहण कर चित मन की शुद्धता हेतु सत्कर्म करें। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य निःश्रेयस की प्राप्ति ही है। जैसा कि भगवान बुद्ध महावीर स्वामी ने अभ्युदय को त्याग कर निःश्रेयस को ही अपने जीवन में स्थान दिया था। अभ्युदय प्रथम चरण है और निःश्रेयस अंतिम चरण है। यदि कोई निश्चय कर ले तो वह अपनी कमियों को दूर करके अभ्यास के द्वारा अपनी मंजिल लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह लक्ष्य अभ्युदय का हो या निःश्रेयस का। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वयं का दीपक स्वयं को प्रज्वलित करना पड़ता है। गीता के छठे अध्याय के पांचवें मंत्र का भी यही संदेश है कि मनुष्य स्वयं ही स्वयं का उद्धारक है और स्वयं ही स्वयं का पतन करने वाला है। श्री शिवकृपानंद जी का कथन है कि शिष्य का भी योगदान आवश्यक है, अर्थात सात्विक बनना या राजसिक तामसिक बनना शिष्य के स्वयं के ही हाथ में होता है। एक युवक का गरीब परिवार में जन्म हुआ था, अतः शिक्षा तकनीकी शिक्षा कोचिंग ट्यूशन में धन व्यय नहीं कर सकता था। प्राइवेट नौकरी करते हुए युवक ने स्वयंपाठी छात्र के रूप में दसवीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की। युवक ने प्राइवेट नौकरी करते हुए ही नौकरी के पश्चात जा समय मिलता था उस समय का उपयोग स्वाध्ययन में करते हुए सरकारी नौकरी हासिल करने का प्रयास प्रारंभ किया। युवक ने नौकरी में गणित को बाधा मानते हुए स्वयं ही बिना कोचिंग ट्यूशन के 3 महीने तक दसवीं की अंकगणित व रेखागणित के समस्त सूत्रों को याद किया था और सभी प्रश्न स्वयं ही हल किए। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप युवक का राजस्थान लोक सेवा आयोग से लिपिक पद पर चयन हो गया। युवक का लक्ष्य आशुलिपिक बनना था। युवक ने आशुलिपिक में अपनी कमजोरी को पहचाना कि बोलने के साथ लिख तो लेता था, लेकिन उसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता था। अतः युवक ने इस कमी को दूर करने के लिए पिता की मदद से प्रतिदिन 2-3 घंटे बोलने के साथ लिखने तथा लिखे हुए को पढ़ने का अभ्यास किया। आशुलिपिक परीक्षा के दिन हाथ की तर्जनी अंगुली पर टाइप की मशीन गिरने से अंगुली चोटिल होने के बावजूद भी अभ्यास होने के कारण परीक्षा ऐसे उत्तीर्ण की जैसे कि परीक्षा नहीं कोई बच्चों का खेल हो। समय से लगभग 10-15 मिनट पूर्व ही टाइपिंग कार्य पूर्ण किया। जिसने भी पूछा कि परीक्षा कैसी हुई, युवक ने उत्तर दिया कि ईमानदारी से परिणाम निकाला जाता है तो उसे परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता है। युवक का आशुलिपिक के पद पर चयन हुआ। फिर एक वर्ष उपरांत ही तीव्र गति की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर पदोन्नति प्राप्त की। सांसारिक दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सब महत्वहीन है। लेकिन यह भी सत्य है कि ज्ञान के अनुसार अभ्यास के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, चाहे वह लक्ष्य आध्यात्मिक हो या सांसारिक। आध्यात्म की यात्रा में भी अभ्यास और वैराग्य को ही सफलता का मूल मंत्र माना गया है, जिसकी पुष्टि गीता भी करती है। तो जो ज्ञान के अनुसार साक्षी भाव से सतत वैराग्य का अभ्यास करता है, उसे मुक्ति रूपी विकट लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति रूपी लक्ष्य में मनुष्य की सबसे बड़ी कमी विषय विकार व पाप से मन का संयुक्त होना ही है। वैराग्य के अभ्यास के माध्यम से निःश्रेयस रूपी आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लगातार 8